अश्विनी कामत, मेरे चैनल कामत वेजन नॉनवेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बहुत ही इंस्टेंट सिंपल मालपुआ। इसके लिए आप शुगर सिरप आपको नहीं चाहिए, डायरेक्ट बना सकते हैं, शुगर सिरप का झंझट नहीं है। ये देखिए, इसके लिए 1 कप मैदा लिया है मैंने, 1 कप उतना शुगर पाउडर लिया है। ये है 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून चिरोटी रवा, बारीक रवा बोलते हैं चिरोटी रवा। आपके पास बारीक रवा नहीं है तो सादा रवा, बॉम्बे रवा को एक मिक्सर में थोड़ा सा पीस लीजिए, ऐसे बारीक रवा मिलेगा आपको। ये है कार्डमम पाउडर थोड़ा सा, ये है पिस्ता और बादाम पीसेस डेकोरेशन के लिए, ये है 1 कप दही। ये सब 1-1 कप लेना है आपको, 1 कप दही, 1 कप मैदा और 1 कप शुगर पाउडर। और ये है कलर, येलो कलर ले सकते हैं, नहीं तो ऑरेंज कलर भी आप ले सकते हैं, मैंने येलो कलर लिया है। नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ फ्रेंड्स। अभी मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, मिक्सिंग बाउल में मैदा जो हमने लिया था, मैदा डालना है सब, चिरोटी रवा बारीक रवा, कार्डमम पाउडर थोड़ा सा रख दीजिए डेकोरेशन के लिए, और शुगर पाउडर, फिर इसमें दही डालना है आपको, दही, और कलर येलो कलर, ऑरेंज कलर भी आप ले सकते हैं। फिर इसको आपको थोड़ा सा पानी डालना है, फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, लम्स रहना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, मैंने अभी सब मिक्स कर लिया है, लम्स थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए, ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। डोसा बैटर जैसे रहता है वैसे ही, उतना ही जाड़ा, देखिए इतना पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए, देखिए ऐसे डोसा बैटर जैसे मिक्स करके आपको। इसमें मैंने 1/4 कप पानी डाला है, 1/4 कप पानी बस रहता है, ऐसे सब मिक्स करके आपको एक आधा घंटा नहीं तो 45 मिनट्स रखना है आपको, फिर बाद में बताती हूँ। अभी आधा घंटा हो गया है, अब हम मालपुआ निकालेंगे। इसमें एक कढ़ाई में, ऐसे फ्लैट कढ़ाई में आपको एक फ्लैट कढ़ाई लेना है ऐसे वाला, उसमें थोड़ा आधा तेल और आधा घी लिया है मैंने। आप फुल घी में भी बना सकते हैं, नहीं तो फुल तेल में भी बना सकते हैं। अभी बैटर को एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, मिक्स करके ऐसे ऐसे डालना है आपको, ऐसे स्प्रेड मत कीजिए, देखिए। और मीडियम फ्लेम में, लो मीडियम फ्लेम में आपको रखना है, हाई मत कीजिए। ये थोड़ा सा फ्राई होना है नीचे, फिर उल्टा करके डालेंगे। फ्रेंड्स देखिए, बीच में ऐसे ऐसे करते जाइए, तेल ऐसे इसके ऊपर डालते जाइए। फ्रेंड्स देखिए, एक साइड अभी थोड़ा सा फ्राई हो गया है, अभी ऐसे उल्टा करके डालना है आपको, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। ये साइड में थोड़ा सा ब्राउन ज़्यादा होगा, थोड़ा क्रिस्पी होगा, बीच में फुल सॉफ्ट रहेगा इसका। ऐसे हुआ तो मालपुआ बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा बनता है। देखिए हमारा मालपुआ रेडी हो गया है, थोड़ा सा तेल है तो ऐसे दो इसमें ऐसे निकाल के निकाल लीजिए। फिर से और एक निकाल का निकालना दिखाती हूँ, देखिए और एक मालपुआ रेडी हो गया है, ऐसे ही सब निकाल लीजिए। फ्रेंड्स देखिए, हमारा मालपुआ रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी बनता है। फ्रेंड्स देखिए, बीच में सॉफ्ट है और साइड में थोड़ा सा क्रिस्पी आता है, आप झटपट बना के खा सकते हैं और शुगर सिरप बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल कामत वेज एंड नॉनवेज में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ यू लाइक अवर वीडियोस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।